जब हम अपनी आंखों के सामने ऐसा इतिहास बनते हुए देखते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है। ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं राष्ट्र जीवन की चिरंजीव चेतना बन जाती है। ये पल अविस्मरणीय है, ये क्षण अभूतपूर्व है, ये क्षण विकसित भारत के शंखनाद का है, ये क्षण नए भारत के जयघोष का है, ये क्षण मुश्किलों के महासागर को पार करने का है, ये क्षण जीत के चंद्र पथ पर चलने का है, ये क्षण 140 करोड़ धड़कनों के सामर्थ्य का है, ये क्षण भारत में नई ऊर्जा, नया विश्वास, नई चेतना का है, ये क्षण भारत के उदयमान भाग्य के आह्वान का है। अमृत काल की प्रथम प्रभा में सफलता की ये अमृत वर्षा हुई है। हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया, और हमारे वैज्ञानिक साथियों ने भी कहा इंडिया इज नाउ ऑन द मून। आज हम अंतरिक्ष में नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने हैं। साथियों, मैं इस समय ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका में हूं, लेकिन हर देशवासी की तरह मेरा मन चंद्रयान महाअभियान पर भी लगा हुआ था। नया इतिहास बनते ही हर भारतीय जश्न में डूब गया है, हर घर में उत्सव शुरू हो गया है। हृदय से मैं भी अपने देशवासियों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ इस उमंग और उल्लास से जुड़ा हुआ हूं। मैं टीम चंद्रयान को, इसरो को और देश के सभी वैज्ञानिकों को जी जान से बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने इस पल के लिए वर्षों तक इतना परिश्रम किया है। उत्साह, उमंग, आनंद और भावुकता से भरे इस अद्भुत पल के लिए मैं 140 करोड़ देशवासियों को भी कोटि कोटि बधाइयां देता हूं। मेरे परिवारजनों, हमारे वैज्ञानिकों के परिश्रम और प्रतिभा से भारत चंद्रमा के उस दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है जहां आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच सका। अब आज के बाद से चांद से जुड़े मिथक बदल जाएंगे, कथानक भी बदल जाएंगे और नई पीढ़ी के लिए कहावतें भी बदल जाएगी। भारत में तो हम सभी लोग धरती को मां कहते हैं और चांद को मामा बुलाते हैं।
कभी कहा जाता था चंदा मामा बहुत दूर के हैं, चंदा मामा बहुत दूर के हैं। अब एक दिन वो भी आएगा जब बच्चे कहां करेंगे चंदा मामा बस एक टूर के हैं। फ्रेंड्स, ऑन दिस जॉयस ओकेजन आई वुड लाइक टू एड्रेस ऑल द पीपल ऑफ द वर्ल्ड, द पीपल ऑफ एवरी कंट्री एंड रीजन, इंडिया सक्सेसफुल मून मिशन इज नॉट जस्ट इंडियाज अलोन, दिस इज ए ईयर इन विच द वर्ल्ड इज विटनेसिंग इंडिया G20 प्रेसिडेंसी। अवर अप्रोच ऑफ वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर इज रिसोनेटिंग अक्रॉस द ग्लोब। दिस ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच दैट वी प्रेजेंट एंड दैट वी रिप्रेजेंट हैज बीन वेलकम यूनिवर्सली। अवर मून मिशन इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द सेम ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच। देयरफॉर दिस सक्सेस बिलोंग्स टू ऑल ऑफ ह्यूमैनिटी एंड इट विल हेल्प मून मिशंस बाय अदर कंट्रीज इन द फ्यूचर। आई एम कॉन्फिडेंट दैट ऑल कंट्रीज इन द वर्ल्ड इंक्लूडिंग दोज फ्रॉम द ग्लोबल साउथ आर कैपेबल ऑफ अचीविंग सच फीट्स। वी कैन ऑल एस्पायर फॉर द मून एंड बियॉन्ड। मेरे परिवारजनों, चंद्रयान महाअभियान के ये उपलब्धि भारत की उड़ान को चंद्रमा की कक्षाओं से आगे जाएगी। हम हमारे सौर मंडल की सीमाओं का सामर्थ्य परखेंगे और मानव के लिए ब्रह्मांड की अनेक संभावनाओं को साकार करने के लिए भी जरूर काम करेंगे। हमने भविष्य के लिए कई बड़े और महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किए हैं। जल्द ही सूर्य के विस्तृत अध्ययन के लिए इसरो आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने जा रहा है। इसके बाद शुक्र भी इसरो के लक्ष्यों में से एक है। गगनयान के जरिए देश अपने पहले ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन के लिए भी पूरी तैयारी के साथ जुटा है। भारत बार बार ये साबित कर रहा है कि स्काई इज नॉट द लिमिट। साथियों, साइंस और टेक्नोलॉजी देश के उज्जवल भविष्य का आधार है, इसलिए आज के इस दिन को देश हमेशा हमेशा के लिए याद रखेगा। यह दिन हम सभी को एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। ये दिन हमें अपने संकल्पों की सिद्धि का रास्ता दिखाएगा। ये दिन इस बात का प्रतीक है कि हार से सबक लेकर जीत कैसे हासिल की जाती है। एक बार फिर
देश के सभी वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई और भविष्य के मिशन के लिए ढेरों शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।